Now we start properties of liquid. तो देखिए हम लोग बात करेंगे फ्लूइड की. फ्लूइड में बेसिकली इंक्लूड हो जाते हैं लिक्विड एंड गैसेस. ये दोनों को कंबाइंडली फ्लूइड बोला जाता है. फ्लूइड means which can flow, material having ability to flow, जो flow कर सकता है that is called fluid. बहुत ही simple word में हम लोग बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे liquid और gases दोनों को हम fluid बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में फ्लो करने की एबिलिटी है. वाटर, ऑयल, ये फ्लो कर सकते हैं. गैसेस हो गए, ये भी फ्लो कर सकते हैं. तो हम गैसेस को भी फ्लूइड बोल सकते हैं और लिक्विड को भी फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक. तो देखो चैप्टर को थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में सीखने के लिए हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है. देखो इसको रखो थोड़ा. तो बेसिकली अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिक्विड पढ़ेंगे, ठीक है. तो आइए बात करते हैं. और इसको भी हमने कैटेगराइज किया है हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स में, ठीक है. तो हम लोग बात करेंगे हाइड्रो स्टैटिक और दूसरा है हाइड्रो डायनामिक. और हाइड्रो स्टैटिक में जो हम लोग पढ़ेंगे टर्म प्रेशर है ना, सरफेस टेंशन, और क्या बताऊं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और कैपिलरी राइज, कैपिलरी एक्शन, ऐसा बोलो, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक. हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट. जब वो रेस्ट में होगा उस टाइप पे जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका वो हाइड्रोस्टैटिक में आएगा. और ये हो गया इन मोशन. जब ये मोशन में होगा तब जो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो हाइड्रोडायनामिक्स में आएगा, ठीक है. तो हमने बात कर रहे थे कि हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या क्या बेसिकली चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ये सारे टॉपिक को कवर करना है. जब हम डायनेमिक्स में आएंगे तो डायनेमिक्स की बात करेंगे. अभी तो हमें एक एक करके इनको फोकस करना है. और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली एक चीज है जिसे जानना ही जानना है वो है डेंसिटी. तो आइए मैं वह स्टार्ट करता हूं और एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, ठीक. इसको रख के आगे कर देते हैं. चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे, बहुत ही सिंपल टर्म है डेंसिटी. आइए डेंसिटी,
देखिए जो मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं आपने पढ़े भी हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पहली चीज जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम को बोलेंगे डेंसिटी, और भी कैटेगराइज करें तो इसे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ लिनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया एरियल डेंसिटी या सुपरफिशियल डेंसिटी बोलते हैं, क्लियर। तो मैं यहां बात कर रहा हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और सिंबॉलिकली हम इसे ग्रीक लेटर रो से प्रेजेंट करेंगे, और लिखा जाएगा मास को एम से और वॉल्यूम के लिए भी ऐसा लिखा जाएगा। अगर मैं यूनिट की बात करूं एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? मास के लिए केजी और मीटर क्यूब बोले तो केजी पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट की बात कर ले, सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लिख सकते हैं इसे ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कि एसआई में कैसे लिखेंगे, सीजीएस में कैसे लिखेंगे। अगर मैं वाटर की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। मैंने यूनिट क्या लिखा, एसआई यूनिट में लिखा हूं। ये सीजीएस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 gram पर सेंटीमीटर, इसको नहीं भी लिखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप एसआई में ऐसे लिखेंगे और सीजीएस में ऐसे लिखेंगे, इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं आसानी से। देखो मैं आपको बताता हूं, लिखा हुआ है 1000, कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं है आपको। देखो यूनिट क्लियर होना चाहिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब आप सीजीएस में कन्वर्ट करो क्या होता है। देखो 1000 बहुत ही आसान है कन्वर्ट करना, केजी को ग्राम में कर लो, 10^3 gram, और ये मीटर क्यूब है ना तो उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। मीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे, 10^-2 और सेंटीमीटर होल का कितना मीटर क्यूब, हाँ ऐसा ना, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 cm इज इक्वल टू 1 meter। फिर इसको सोल्व करो देखो क्या आता है, 1000 ऑलरेडी 1000 gram into, यहां देखो क्या होता है 10^2 और होल के पावर -3, तो 10^-6 और सेंटीमीटर का क्यूब। जब इसे सोल्व करोगे 3 और 3 6 सोल्व करोगे 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब। तो या तो बोलो 1000 kg पर मीटर क्यूब या बोलो 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों सेम ही है, यूनिट अलग अलग है।
ठीक है, ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। चलिए अब और आगे बात करते हैं। तो यूनिट आपको क्लियर होना चाहिए। एक और टर्म है इसमें और वो मैं बात करूंगा, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर, आइए रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको डिफाइन किया जाता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और जो भी मटेरियल है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें रिलेटिव डेंसिटी बताना है तो क्या करें, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये मैंने आपको जो एक डाटा बताया हूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, आप प्लीज मैं वर्ड आपको मतलब 1000, इट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसमें एक टर्म है एट व्हाट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डेंसिटी होती है। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी में वेरिएशन होता है और ये जो डाटा है वो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है। बट नॉर्मली अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ टेम्परेचर की नहीं बात करेंगे, तो हम इसी डेंसिटी को यूज करेंगे, है ना, वाटर की डेंसिटी। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? हाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया, इसको शॉर्ट में चलो आर टी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी मटेरियल है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और बोले तो जिस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं उसकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन में 1000, है ना, 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के लिए फार्मूला आ गया, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है क्या करें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू 1000। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आसान वाला टर्म है ये। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको कभी रिलेटिव डेंसिटी की बात करेगा तो वैसे सिचुएशन में आप बिल्कुल आसान तरीके से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बता सकेंगे। ठीक है, और ये जो मैं टर्म डिस्कस कर रहा हूं डेंसिटी का, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। चलिए आते हैं, इसको ग्राफ कर दें। ठीक, अभी तो मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं हो, एक एक करके सीखते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 700 केजी पर मीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल, और मैं पूछता हूं फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, क्या करें, आंसर है देखो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सोचो ये क्वेश्चन आंसर है इसका, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इसका आंसर होगा क्या, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो भी बात करें अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
बताओ क्या लिखूं? 700 अपॉन बताओ 1000, सॉल्व करेंगे आएगा 0.7, मींस रिलेटिव डेंसिटी आ गया 0.7। यूनिट क्या होगी बताओ? केजी पर मीटर क्यूब? नो, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों यूनिट होगी? ये तो रेशियो है। यहां पे देखो केजी पर मीटर क्यूब, यहां भी केजी पर मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूंगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, देयर इज नो यूनिट, सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा लाइक 0.7। ठीक है, ओके, तो हमें पता हो गया कि कैसे रिलेटिव डेंसिटी फाइंड किया जाएगा। और सोचो कि कभी रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे उस मटेरियल की? इस पे भी एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, मैं क्वेश्चन टू कर लेता हूं। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू एज 0.8, फाइंड डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, क्या करें? अभी अभी तो हमने कॉन्सेप्ट सीखे रिलेटिव डेंसिटी का, कि जहां भी वर्ड रिलेटिव डेंसिटी का है मीन्स डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल या दैट ऑब्जेक्ट अपॉन 1000। आइए अब आंसर की बात करते हैं, ये खुद करो, मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको पॉज करो और खुद से आप ट्राई करके मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी। दिस 0.8 इज द रिलेटिव डेंसिटी, आप ऐसे भी देखो ना, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है तो ये रिलेटिव डेंसिटी है, तो आप बताओ मुझे कि डेंसिटी कितनी होगी। पॉज करो और सॉल्व करो। चलो क्या लिखूं मैं लिखूंगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मटेरियल हमें फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। दूसरी लाइन में रिलेटिव डेंसिटी कितना? 0.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन 1000। सोल्व कर लेंगे, आंसर आएगा आपका कि रो इज इक्वल टू 800 है ना केजी पर मीटर क्यूब। हो गया, दिस 800 केजी पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ना, जिसका रिलेटिव डेंसिटी 0.8 था, am I right? चलिए आपने ये डेंसिटी वाला और रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म सीखा, तो एक और मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं, फिर आप करते हैं इसे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, रफ करता हूं, आप ना जब नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल इसको पॉज करो और जो भी कुछ वर्ड बताया जा रहा है हमने हो सकता उसको बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, बट आप उसको अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें मेंशन करो। जैसे मैंने बोला कि इसकी कोई यूनिट नहीं, किसकी? रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगा, आप उसे लिख लो। एक और चीज मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा बात करता हूं आपके साथ एक बकेट है, जो भी कंटेनर है,
और इसका कुछ अपना मास है, इसकी कुछ अपनी वॉल्यूम है, तो डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ ऐसा हुआ कि इसमें जो लिक्विड है सेम कंटेनर, और इसके जो लिक्विड के हाइट हैं उसको आधा कर दिया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी क्या होगी। सोचो, एक ग्लास पानी था और अब मैंने आधे ग्लास पानी को निकाल दिया, तो जो आधे ग्लास पानी बचा है तो उस आधे ग्लास पानी का अब डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी या अलग होगी? तो आंसर है कि सेम होगी। ठीक है, ये जो डेंसिटी वाला टर्म है वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो 1 kg है या आधा kg है। ठीक है, और लॉजिक भी है, जब आपने इसके मास को आधा कर दिए तो इसका वॉल्यूम भी आधा हो गया, तो वैसे सिचुएशन में फिर से मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो ये टर्म कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक हो ना, मैंने आधे ग्लास कर दिए तो इसका मास भी तो आधा हो गया। मिस लॉजिकली ऐसे देखो कि अब इसमें मास कितना रहा, m/2, वॉल्यूम कितना हो गया, तो v/2, फिर से लिखो m/2 अपॉन v/2, सोल्व करोगे m/v, तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी। मेंस कितना उसका अमाउंट है लिक्विड का, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, है ना, कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो कि हाफ ग्लास वाटर है और एक में फुल ग्लास वाटर है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, वाटर ही है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो लॉजिक है कि जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो हमने अभी डेंसिटी की बात कर ली है, अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और वो है प्रेशर। तो मैं इसको रफ करता हूं और अब दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रेशर। जो आपको नोट्स दिया गया है प्लीज इसको रिवाइज कीजिए, उसको पढ़िए और अपना एक फ्रेश से नोट्स अपने आपके लिए तैयार करो। ये नहीं कि सिर्फ उसी को पढ़ना है बस फिर फेंक देना है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर की जो डिफिनेशन है वो कुछ ऐसा है, फोर्स अपॉन एरिया। सिंबॉलिकली लिखें तो P4 यहां प्रेशर लिख देता हूं, F4 फोर्स एंड A4 एरिया। ठीक है ना, F4 फोर्स, A4 एरिया, P4 प्रेशर। तो प्रेशर का डेफिनेशन हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। चलिए, अगर मैं इस यूनिट की बात करूं क्या होगा, फोर्स के लिए न्यूटन एंड फॉर एरिया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को प्रैक्टिकली लिखते हैं पास्कल, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं क्या, पास्कल। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट हो गया वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल बोलेंगे। सीजीएस यूनिट डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। और भी यूनिट हैं इसके, एटमोस्फेरिक एटीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फिर बार, ठीक है, और भी यूनिट है जैसे सीजीएस, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, फिर हो गया आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर, फिर हो गया आपको बार, ठीक है। तो ये एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे तो जब आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि इसके बारे में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर हम रिलेट कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो अभी तो आप ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट के बारे में सीखो। चलिए, तो हमने प्रेशर की बात कर रहे थे और प्रेशर का यूनिट भी सीखा। देखो इसके जो एप्लीकेशंस हैं, चलो पहले मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सोचिए कि आपके पास एक गिवन सरफेस एरिया, सोचो ये कि एरिया है, दिस एरिया इज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, और इस एरिया पे कुछ लोड अप्लाई किया गया है, सोचो यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली लोड पूरे पूरे सरफेस पे, एंड दिस लोड इज 100 न्यूटन। तो मेरे से पूछा जाएगा कि इस सरफेस पे प्रेशर कितना आएगा, तो आंसर होगा बताओ फोर्स अपॉन एरिया, बोले तो 100/1, सोल्व करने पे आएगा 100 पास्कल। ऐसा यूनिट में बात करें तो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चल अब मैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की अगर जो बात करूं तो आइए उस पर भी आएंगे, इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, बट फॉर्मूला सेम ही होगा, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं। इसे कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी देख लेते हैं, एप्लीकेशंस जो प्रेशर की बात कर रहे हैं क्या एप्लीकेशन है, देखो एप्लीकेशन। पहला, जो नेल होते हैं कील, उसका जो एक पोर्शन होता है काफी वो शार्प होता है, नुकीला होता है, और दूसरा जो है वो ब्रॉड होता है, बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है, दिस इज ब्रॉड, दिस इज नैरो। हमें सोचो ये दीवार है और इसमें कील लगानी है, तो कील को हम ऐसे इसको अंदर करना चाहेंगे, ठीक है ना, और इस पे हम इधर से फोर्स लगाते हैं इस पे, और ये आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। हाँ या ना, बोलिए यस। कोई पर्सन ऐसे लगाए इसे, ये जो ब्रॉड फेस है उसको यहां रखे और यहां से वो प्रेशर लगाना शुरू करे, यहां से वो फोर्स लगाना शुरू करे इस पे, मुश्किल होगी, ये पार्ट इसके अंदर नहीं जाएगा। अब दोनों में कौन सा हमारे लिए सही है, अगर मेरा जो यूज है वो मैं ये चाह रहा हूं कि जो कील है वो इस दीवार के अंदर चला जाए, तो मैं ऐसे रख के इसे प्रेस करूंगा या हैमर करूंगा, या फिर मैं ऐसा रख करके हैमर करूंगा, तो मेरा आंसर होगा, आपको बात समझे ना, मेरा आंसर होगा कि दिस इज द राइट वे, बट दिस नॉट द राइट वे, अगर मैं चाहता हूं ये जो कील है वो इसके अंदर जाए, ये राइट वे क्यों नहीं। देखो इस केस में अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा तो फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां जो एरिया है वो बहुत ही कम है, तो प्रेशर हाई होगा, जब हाई प्रेशर होगा तो आसानी से अंदर चला जाएगा,
अगर मैं यहां की बात करूंगा सेम अमाउंट ऑफ मैं फोर्स लगा रहा हूं तो देखो ना ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं कंपेयर करना चाहता हूं, अगर इससे कंपेयर करें तो यहां एरिया ज्यादा है तो सेम फोर्स के लिए प्रेशर कम हो जाएगा, मीन्स ये इंटर नहीं कर पाएगा। इसीलिए नेल का जो एक पार्ट है जिसको इंटर कराना होता है वो शार्प होता है, नुकीला होता है, उसका एरिया को कम कर देते हैं ताकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो और वो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो एक यूज हमारा ऐसा हो गया। फिर मैं बात करूं जो बैग होते हैं उसके जो फीते लगे होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ी होती है, वो इसलिए होता है ताकि आपके जो सिलेंडर हैं उस पर कम प्रेशर लगा पाए। क्यों? एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम होगा, अदरवाइज वो हो सकता है कि इस पर निशान आ जाएगा आपके कंधे पे जब आप बैग को पीछे हैंग करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो मेरे पास एक बैग है तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या सूट केस है उसको हैंडल होता है वो थोड़े चौड़े होते हैं, ये देखो इतनी चौड़ी, तो वो कम प्रेशर लगाएगा मेरे पे, काफी देर तक भी हैंग करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बिल्कुल एकदम ऐसा होता, बिल्कुल एकदम इसको ऐसे बना देते हैं तो हमें ज्यादा दर्द करेगा ये, ठीक है ना, वो इसलिए कि जो लोड लग रहा है वो कम एरिया पे आएगा, तो कम एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ये से ज्यादा कर देंगे, है ना, ये देखो अब इतने एरिया पे आ गए, तो ऐसा करने से, ये ज्यादा करने से मेरे ऊपर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक है, तो दूसरा यूज हो गया, मैंने नोट्स में लिखे हैं कि ये थोड़ा ब्रॉड होता है, और भी बहुत ही बढ़िया यूज मैं बताता हूं आपको कि जो रेलवे ट्रैक है, है ना, रेलवे ट्रैक है, जो ट्रैक बिछाए जा रहे हैं वो वुडन का या तो चौड़ी प्लैंक हो या फिर वो सीमेंटेड स्लीपर डाल दिए जाते हैं इसके अंदर। पहले तो वो पत्थर होता है ना, उसके ऊपर पहले वो सीमेंटेड वाले, उसके ऊपर से रखा जाता है ऐसा। मेरे पास उसके लिए ऐसे चौड़े चौड़े इसके नीचे लगे होते हैं, क्यों होते हैं कि प्रेशर कम आए, बिल्कुल शार्प होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा ट्रैक नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन है, हमें नॉलेज है तभी तो ऐसा कर पाते हैं, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ एप्लीकेशन से फिर धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो और भी चीजें हम बढ़िया से जानेंगे। तो एक का तो मैंने फिगर बनाया और बाकी मैंने आपको ओरली समझाया, इसे आप कॉपी में जरूर नोट करना। ठीक है, चलो मैंने आज आपका चैप्टर वो स्टार्ट कर दिया है और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज जो नोट्स दिया गया है उसको एक बार ओवरऑल उसको रीड करो, ठीक है, फिर लेक्चर देखो, उसके बाद फिर नोट्स बनाओ, ठीक है, और फिर वर्कशीट मैं आपको दूंगा तो फिर वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ठीक है, और बिल्कुल अब साथ साथ चलना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात अगर जो करें लिक्विड के बारे में, तो जो लिक्विड प्रेशर लगाती है वो नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर या कोई टैंक है, जैसा भी हो, सोचो कि आपका कोई कंटेनर है लाइक दिस और इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है, तो ये जो लिक्विड ये भी प्रेशर लगाएंगे इसका अपना ही मास है, तो इस सरफेस पे जो लिक्विड प्रेशर लगाएगी लाइक दिस, इस सरफेस पे लाइक दिस, इस सरफेस पे लाइक दिस, नॉर्मल टू द सरफेस ये जो प्रेशर लगाती है
वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। इस चीज को हमें ध्यान देना है, आगे सीखेंगे भी, ठीक है। हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस, जो लिक्विड प्रेशर लगाती है वो सरफेस इन कॉन्टेक्ट के नॉर्मली लगाती है, 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। चलिए, हमने कुछ कुछ चीजें सीखे, ठीक है। बस आज इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और ठीक है, ओके, बाय।